राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को लालू यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुबह से सबकी नजरें इसी बात पर टिकी थी कि क्या इस बार उन्हें जमानत मिल जाएगी या नहीं। इससे पहले भी लालू यादव ने कई बार जमानत याचिका की अर्जी डाल रखी है। यहां एक बार फिर लालू यादव और उनके परिजनों को निराशा ही हाथ लगी। फिलहाल लालू को अन्य मामलों से जमानत मिल चुकी है। लालू यादव ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने को आधार बनाते हुए जमानत मांगी थी। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू ने 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया था। वहीं लालू यादव की इस जमानत याचिका पर पलटवार करते हुए सीबीआई ने कहा कि लालू यादव ने आधी सजा नहीं काटी है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने लालू यादव और सीबीआई को हिरासत की कुल अवधि सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लालू यादव की जमानत याचिका का पक्ष रखा। इस दौरान लालू को एम्स भेजने के लिए बनी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई, बावजूद इसके बात नहीं बदली और कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।